सीएम योगी के हनुमान जी पर दिए बयान के बाद सियासत गर्म हो गई है। इस पर सपा एमएलसी संतोष यादव सनी ने भाजपा पर तीखा हमला किया है। उन्होंने मीडिया को बयान देते हुए कहा कि भाजपा के सभी बाबा पागल हैं। उन्होंने राम मंदिर पर कहा कि भाजपाई पाखंडी लोग हैं, पागल लोग हैं। जो भाजपा में जितने बाबा हैं सब पागल लोग हैं, ये मूर्ख हैं। ये कब क्या बोल दें इनको, देश में और प्रदेश में जो समस्याएं हैं, किसान को उसकी लागत नहीं मिल रही, बेरोजगार है उनको रोजगार नहीं मिल रहा, बुनकर है उनको जो बिजली नहीं मिल रही, किसी तरह का जो विकास है सब इन्होंने ठप कर दिया। केवल ये हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद ये भाजपा वाले करते हैं, जो दो चार महीना करते ज्यादा नहीं और चुनाव बाद गायब हो जाते हैं। आप देखो वो चले आए शिवसेना वाले उद्धव ठाकरे, वहाँ महाराष्ट्र में जब हमारे उत्तर प्रदेश के और बिहार के भाई काम करते हैं, कोई सब्जी का ठेला लगाता है तो मराठी पीटते हैं, और ये पता नहीं अयोध्या में आके कैसे निकल गए उदय ठाकरे। हम लोग तो मध्य प्रदेश में बिजी रहे, अगर हम यूपी में होते तो इनको घुसने नहीं देते। ये भाजपा उदय ठाकरे हैं, क्या लगता है अयोध्या में कुछ नहीं होना? भगवान राम हम सबके भगवान है, भाजपाइयों के नहीं है। ये केवल ये नौटंकी और पाखंडी लोग हैं भाजपा के लोग। इनके एक मंत्री ओम प्रकाश राजभर का जरा वीडियो देख लो, वो खूब इनके बारे में बता रहे हैं। हम समाजवादी लोग सरकार बनाने जा रहे हैं 2019 में, और मोदी जी को हटा के और देश का पहला पूर्व प्रधानमंत्री होगा जो रफेल सौदा में जेल में जाएगा। बहुत बढ़िया साहब। अरे सारे बाबा पागल है, अंदर 90% अंदर है, 10% बाहर है। अब ढूंढो।